एपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका एपीएससी में कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, उस एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एडवर्टाइजमेंट में, वो सारा आपको देखने को मिलेगा, उस वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट वीडियो था आपका कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड पूरा प्रोसीजर आपको बताया गया है, तो आप लोग वो वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो बिफोर द लास्ट डेट, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग वो वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा, उस एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और फ्रेंड्स जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड पूरा प्रोसीजर उसमें आपको बताया गया है, तो बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट डेट के पहले देख रहे हो तो आप लोग वो वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना, अगर कुछ स्टेप्स आपका मिस्टेक हो गया तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के पहले आप लोग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया है। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बताया गया है कि अगर आप लोग ऑनलाइन फिलअप करोगे उसके पहले आपको ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है, तभी आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे करेक्ट मेथड में फिलअप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स दोनों वीडियो को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के रिलेटेड और एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड भी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है आपका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर के रिलेटेड। तो आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट आया है उसका सिलेबस आपका क्या है, एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या रहेगा, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कितना स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आपका एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, क्या क्या स्टेप्स रहेगा, तो सारा स्टेप्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और सिलेबस आपका क्या है जो आपका एपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस एडवर्टाइजमेंट में आपका दिया गया 11 नंबर पॉइंट्स में सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आपको चेक कर लेना है जो सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। यहां पे आपका दिया गया है द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, तो आपका टू फेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एंड नेक्स्ट है आपका जो रहेगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा टू स्टेप्स में। और जो फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका OMR बेस्ड आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा 100 मार्क्स का, जो फेस वन का आपका एग्जामिनेशन है। इसका जो नेक्स्ट रहेगा आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट वो आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहेगा, जो आपका फेस टू है, इसमें आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा जो कंप्यूटर का है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट का रहेगा। तो इसमें आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट में इंक्लूडेड रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कितना है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दो है, जो फेस वन रहेगा आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा 100 मार्क्स का। इसका जो आपका नेक्स्ट रहेगा फेस टू में आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा, उसमें आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अगर आप लोग जो फर्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है OMR बेस्ड टेस्ट पास करते हो फेस वन का, तभी आप लोग फेस टू के लिए सिलेक्शन किए जाओगे। अगर फेस वन आप लोग क्वालिफाई नहीं करते तो फेस टू एग्जामिनेशन आपको देने को नहीं मिलेगा। तो आपको फेस वन क्वालिफाई करना है, तो फेस वन का आपका सिलेबस क्या है, तो फेस वन का आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो फेस वन है आपका सीरियल नंबर करके दिया गया 1, 2 एंड 3। तो वन में आपका है जनरल इंग्लिश के ऊपर आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, टोटल मार्क्स आपका 40 रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर थ्योरी के ऊपर रहेगा जो आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आपका इंग्लिश सेक्शन से 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर थ्योरी जो है उसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 100 और टोटल मार्क्स रहेगा आपका 100। तो आपका जो फर्स्ट है OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका होगा फेस वन, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फेस टू के लिए, जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो फेस टू में आपका क्या गया है, तो फेस टू में आपका दिया गया है अगेंस्ट ईच वैकेंसी 4 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो आपका टोटल नंबर पोस्ट कितना है, तो आपका टोटल नंबर पोस्ट है 17। तो 17 में से आप इस पोस्ट का 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा फेस वन एग्जामिनेशन होने के बाद। तो 17 × 4 आपका कितना होता है 68। तो 68 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा जो आपका नेक्स्ट फेस है फेस टू कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका वही मेंशन किया गया अगेंस्ट इज वैकेंसी, तो 17 वैकेंसी में आपको 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो आपका फेस वन एग्जामिनेशन होगा। फेस वन एग्जामिनेशन में आपका 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा अगेंस्ट ईच वैकेंसी। तो वैकेंसी कितना है 17, तो 17 × 4 आपका कितना होता है 68, ठीक है। तो 68 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा आपका फेस टू एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट है। यहाँ पे आपका रहेगा
ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्क्रीनिंग टेस्ट फेस वन होगा, द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी हेल्ड सेंट्रली इन गुवाहाटी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल। तो ओरिजिनल टेस्टिमोनियल जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आपको जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकल टेस्ट, इसमें आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया था कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट इंक्लूडिंग स्पीड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मेंशन है, वही आपको यहाँ पे लिया जाएगा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। इसके बाद स्पीड टेस्ट लिया जाएगा जो आपका 100 मार्क्स करेगा, यहाँ पे आपका मेंशन है 100 मार्क्स। तो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट भी 100 मार्क्स होगा। तो 100 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ओनली 68 कैंडिडेट के लिए ही होगा, जो आपका गुवाहाटी में होगा, सेंट्रली इन गुवाहाटी, गुवाहाटी पे आपका सेंटर रहेगा अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो फेस वन के बाद आपका ओनली 68 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जो आपका फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा 17 ओनली, क्योंकि 17 नंबर ऑफ पोस्ट का आपका रिक्रूटमेंट आया है। तो आप लोग फेस वन का एग्जामिनेशन देने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा आपका डाउट क्लियर करने में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और फ्रेंड्स, आपका जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सर मैं इस चैनल पे आपको अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम। जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है, तो उसका कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन सर जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जब उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड होगा तो आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर आएगा, तो इस चैनल पे मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा कि आपका क्या नोटिफिकेशन, क्या इंफॉर्मेशन आया है। तो फ्रेंड्स, आपको फाइनली पता चल गया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका फेस वन और फेस टू है, ठीक है। इसके बाद जो फेस वन में रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ओएमआर बेस्ड, जो 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद फेस टू में आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीड टेस्ट। तो आप लोग फेस वन क्वालिफाई करने से आप लोग फेस टू के लिए सिलेक्शन किए जाओगे। जो फेस वन का सिलेबस है आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट। और जो आपका फेस टू है, फेस टू का जो एग्जामिनेशन होगा आपका गुवाहाटी में होगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रहेगा। जब इन फ्यूचर इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए आएगा, इस चैनल पर पब्लिश होगा, तो आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।